This is Apple Tree. Our hearts beat to the city streets. This is Kiwi Tree. More like a shrub. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Hi friends, Expert with Roaming Family welcomes you to Kanathal. Kanathal Uttarakhand में एक बहुत ही खूबसूरत ऑफबीट हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन में आप चाहे चंबा की तरफ या धनौल्टी की तरफ कोई भी तरफ से एंट्री ले, आपको ये रोड के दोनों साइड में सारे होटल्स मिल जाएंगे। मेरा इस वीडियो का एम में मैं कनाताल के कुछ अच्छे रिजॉर्ट का इंफॉर्मेशन दे दूंगी जहां पर ऑनलाइन बुकिंग होते हैं। और हम कनाताल में जाकर रुके थे एक खूबसूरत छोटा सा होम स्टे पर। दिस इज नमाहा होम स्टे एंड ये कनाताल के मेन रोड के ऊपर ही है। पीछे सीढ़ियों से एक मंजिल ऊपर चढ़ के आपको नॉर्मल रूम्स मिल जाएंगे। बट हम रुके थे 5 to 6 स्टेप्स नीचे के तरफ आकर इस प्रॉपर्टी का ऐसे खूबसूरत कॉटेज पर। नीचे इन लोगों का 4 कॉटेज के साथ साथ फैमिली रूम्स भी अवेलेबल है। वैसे तो ठीक ठाक है, एकदम नेचर के बीच में ही है। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए क्योंकि इन लोगों का ऐसे एप्पल ट्री साथ में कीवी ट्री साथ में, देखिए पोटैटो फार्मिंग हो रहा है। मेरे साथ अभी खड़े हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर। इनसे बातचीत करके ये पता चला ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नए हैं, कोविड के बाद ये बनाए गए हैं। अब चलिए पहले रूम्स को देख लेते हैं। यह है हमारा कॉटेज। बहुत हाई फाई तो नहीं है बट रूम डिसेंट है। यहाँ पे फैंस का जरूरत नहीं होते हैं क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाते हैं। एकदम समर में ही यहाँ का रात का टेम्परेचर 9 डिग्री तक चले जाते हैं। रूम्स में ड्रेसिंग के लिए अलग से एक मिरर दिए गए। बाथरूम्स भी ठीक ठाक ही है। बाथरूम्स के अंदर आपको बाथिंग और शेविंग किट तो नहीं मिलेगा बट एक हैंड वॉश तो है। और हर कॉटेज का बालकनी में इन लोग टेबल्स के साथ चेयर्स बिछा के रखे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इन दिस होम स्टे वी पेड 5000 रुपीज पर नाइट फॉर 3 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इस होम स्टे का ओनर का फोन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, अदरवाइज सारे ऑनलाइन साइट पर भी इसका बुकिंग हो जाती है। और इवनिंग का नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। रात में बारिश भी शुरू हो गए, साथ में लाइटनिंग भी है, टेम्परेचर 7 डिग्री। और सबसे मेन बात है इनको देखो, मैं लाइट जला रही हूँ। हाल देखो, हम दिल्ली में 49 डिग्री में बैठी हूँ और इधर हाल देखो, बाहर ओले भी गिर रहे हैं। दिन में हमें पता भी नहीं चला क्या रात का मौसम ऐसे चेंज हो जाएगा। पहाड़ों में ना अक्सर ऐसे होते हैं। इस प्रॉपर्टी में रहकर मॉर्निंग एंड इवनिंग को चाय पीते हुए आप ऐसे खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में इन लोग पोहा एंड आलू पराठा सर्व करते हैं और सारे फूड्स होममेड एंड टेस्टी रहते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये था हमारा नामाहा होमस्टे में 2 दिन का सफर। अगर आप नेचर लवर है तो ये प्रॉपर्टी कानाथल में आपके लिए सस्ते में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये है अच्छा खासा पार्किंग एरिया, ये इन लोगों का ही है। अदरवाइज होमस्टे के सामने भी आप अपना गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इस होमस्टे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसमें जाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, पहाड़ों में चलना भी नहीं है, बस मेन रास्ते से 5 स्टेप्स नीचे जाके आप कॉटेज में पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं कानाथल के कुछ अच्छे रिजॉर्ट की तरफ, जहाँ पे मुझे तो बुकिंग नहीं मिला था मैं जिस समय गई थी, लेकिन हो सकता है आपको मिल जाए। चंबा के साइड से कानाथल में एंट्री लेने के समय पहले ही बाएं तरफ आते हैं अमैया रिजॉर्ट, और आगे की तरफ चलते हुए कौडिया इको पार्क के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको दिख जाएंगे क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट, और ये सारे रिजॉर्ट आपको कानाथल के मेन रूट के आसपास ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हिलैंड्स रिजॉर्ट, ये भी रोड से नीचे की तरफ चलना पड़ेगा और ये भी बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। मेरा नेक्स्ट रिजॉर्ट कौडिया इको पार्क में एंट्री लेके 2 किलोमीटर के बाद आपको मिल जाएगी। ये है देवदास टेंट, अंदर देखें यहाँ पे भी रहने के लिए रेस्टोरेंट भी है, कॉटेज भी है। ये फॉरेस्ट के अंदर ही है, ऊपर इन लोगों का इस टाइप का कॉटेजेस बने हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर है। ये है इन लोगों का अच्छा खासा डाइनिंग एरिया, कैफे है साथ में डाइनिंग एरिया है। इससे कॉटेज का क्या रेट है? जो कॉटेज का जैसे 2% के हिसाब से 6000 कुछ है समथिंग। हाँ तो 6000 ओनली स्टेइंग या ब्रेकफास्ट इंक्लूड है? और डिनर भी इंक्लूड करना है? हाँ थोड़ा 2-400 रुपये कर लेंगे। अच्छा 2-400 रुपये पर हेड पर पर्सन के? हाँ वही। और पार्किंग वगैरह किंग गाड़ी पार्किंग मतलब अंदर फॉरेस्ट के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे भी दो साइड में भी 2 कॉटेजेस है, और सबसे बढ़िया तो यहाँ का व्यूज है, एकदम 360 डिग्री व्यूज आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, मेरे नेक्स्ट वीडियो में कानाथल में जाके आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं इसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।